इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि भाई जी हमसे बोल रहे थे कि भैया क्या कर रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि अभी आप लोग का वीडियो हम शूट कर रहे हैं ताकि ये यूट्यूब पे डाल सके। तो बहुत ही मस्ती वाला ये वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग जा कर के इस वीडियो को फुल देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये बंगाल का स्वर्ग है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप एक प्रकार से सोचिए कि स्वर्ग का दर्शन कर सकते हैं। और पानी की जो लहर आती है समुद्र का, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग को अगर समुद्र का जो दर्शन किए होंगे या कभी भी डीगा बीच आए होंगे तो आप लोग को पता होगा। और ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने फैमिली को लेकर के समुद्र के किनारे पर आपको रहना चाहिए, बीच में तो नहीं जाना चाहिए बिल्कुल ही। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी भी डीगा बीच आएँ तो आगे की तरफ बिल्कुल ना जाएँ, और बच्चों को ख़ास तौर पर आगे नहीं लेकर जाएँ। तो आप भी इस प्रकार से संचेत रहिए और दूसरों को भी ये जागरूक करना है। ये वीडियो सभी फ्रेंड्स और फैमिली को आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते थे कि महिला जो थी आगे की तरफ थी, लेकिन पीछे जब से ही पानी उनको ढकेला वो बहुत सारी पीछे आ गई। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैं जागरूक करने के लिए ये वीडियो मतलब बना रहा हूँ। और यहाँ पर मतलब मज़े ही मज़े हैं, जैसे कि आप लोग को पता भी होगा कि हम लोग जैसे कुंवारे जो लोग आते हैं यहाँ पर मज़े करने के लिए ही आते हैं, समझे। तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं और फुल मस्ती यहाँ पर उठा सकते हैं और कुंवारापन अपना बिल्कुल भूल सकते हैं यहाँ पर। और ये पानी का जो समुद्र का जो पानी है वाइट इसी पानी से नमक बनाया जाता है, आप लोग को पता भी होगा, और हम सब इसी में टाइ करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा हमको यहाँ पर आ करके। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मैं आपको मतलब ओरिजिनल साउंड आप लोग को सुनाने वाला हूँ समुद्र का, तो आप लोग ओरिजिनल साउंड का भी इंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं कि पानी की जो लहर है कहाँ तक जा रही है, जैसे बैठने के लिए बनाया गया है, पानी की लहर जैसे आती है वो आपको ऊपर तक चली जाती है। शाम के समय में जो पानी का जो उठान होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसका जो पानी जो होता है समुद्र का पानी जो होता है वो शाम के समय में बढ़ जाता है, जिसके कारण से आप लोगों को सचेत रहना चाहिए और आप लोगों को ऊपर ही रहना चाहिए। जैसे इन दोनों लड़कों को देख सकते हैं कि ये दोनों लड़के आगे की तरफ जा रहे हैं, अगर पानी बाय चांस इनको पीछे की तरफ लेके चली गई तो क्या होगा, इसलिए आप लोग भी। अभी फ़िलहाल बहुत ही कम भीड़ है, आप देख सकते हैं कि भीड़ दोपहर में होती है ज़्यादातर, अभी जो है लमसम 4 बजने को है। तो इसमें पानी का लेवल जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, इस कारण से बैठने वाले लोग जो होते हैं बहुत ही इस समय कम हो जाते हैं, क्योंकि अभी वाटर लेवल जो होता है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। आप देख सकते हैं वाटर लेवल जो है किस प्रकार बढ़ा हुआ है, अभी मेरे पास आ गया, यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वाटर का लेवल जो होता है शाम के समय में बढ़ जाता है, तो लोग जो होते हैं कम बैठते हैं और बहुत ही कम लोग यहाँ पर इंजॉय कर पाते हैं। और उसमें से मैं खुश नसीब हूँ कि मैं भी यहाँ पर आकर के इंजॉय कर पाता हूँ। आप भी चाहें तो आ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कैसे कहाँ से कैसे आना है दीघा बीच पर, कौन सी बस नंबर होती है और कहाँ से आप लोगों को बस पकड़ना है। वो देख सकते हैं वाटर लेवल जो है कितना बढ़ गया है, वाटर लेवल जो अभी है फ़िलहाल लमसम बहुत ज़्यादातर बढ़ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं एक दूसरे से इंजॉय कर रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि अभी का जो लेवल है वाटर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, इस कारण से लोग जो हैं अभी बैठ नहीं पा रहे हैं। यहाँ आप आ कर के इंजॉय कर सकते हैं अपने माध्यम से और हमारे माध्यम से भी। तो यहाँ का जो वीडियो जो है बहुत ही आप लोग पसंद करते हैं, इसलिए मैं बार बार यहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि आप लोग का दिल रखना ही मेरा काम है, और ये इसलिए मैं आप लोगों की बातें मान करके थोड़ा बहुत यहाँ पर आता हूँ कि आप लोग कम से कम इन्जॉय कर पाइए। और यहाँ का जो दृश्य है आप लोगों को मैं हमेशा इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट करते हैं, और इस वीडियो में के माध्यम से आप लोगों को मैंने बहुत कुछ दिखाया, और आप लोग भी अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी आप आ सकते हैं यहाँ पर, कोई भी हर्ज नहीं है। आप अगर आपकी गर्लफ्रेंड वो भी आपके साथ आ सकते हैं। आज से एक महीना पहले डीघा आया हुआ था इस बीच पर, आप लोग वो वाला भी ब्लॉग देखे होंगे। तो आज का ये सेकेंड ब्लॉग है डीघा बीच का,
और यहाँ पर एक महीने बाद फिर से मैं आ चुका हूँ, और क्योंकि मुझे आना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता है, क्योंकि जब भी मैं कलकत्ता आता हूँ तो यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करता हूँ, क्योंकि यहाँ समुद्र का नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आकर के कैसा फील होता होगा अगर हम यहाँ पर आते हैं। आप लोगों के लिए ही आते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहते हैं कि एक बार और दीघा बीच जाइए। तो आप इधर देख सकते हो, वो सारा मेरा होटल है, उस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ। उस होटल में जो है आपको प्राइस जो लगा हुआ है मेरे 1260 रुपये लगा हुआ एक ब्लू व्यू होटल है। 1260 रुपये में एक रूम मिला है, उसमें आप लोगों को बाथरूम उतरा मिला है। उसमें कैमरा मैं करता था पहले, लेकिन इससे पहले पिछले बार आया था तो कैमरा मैंने किया था, वीडियो बनाया था, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि अब वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ रीज़न होगा, उनका पर्सनल मैटर है। इस कारण से हम उसके अंदर का दृश्य जो है अभी आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अब इससे पहले जब हम आए थे तो उस समय सारे होटल्स का कवर करके रखे हुए थे कि किसका कितना प्राइस है।